हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन के लिए एक टॉप नेविगेशन ड्रॉअर ऐड करने वाले, जिसकी इमेज मैंने आपके सामने रखी है। मीन्स यहाँ पे तीन आइकन्स रहेगी, जब आप उस पर क्लिक करोगे थ्री लाइन्स पे, तो साइड में से एक ऐसा नेविगेशन ड्रॉअर आता है। सो ये हम क्रिएट करना स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दिस वीडियो। सो थोड़ा सा नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में जान लेते हैं, टॉप नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में। सो उसमें मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है नेविगेशन हेडर, सो ये जो आपको आइकन दिखाई दे रही है एंड ये जो टेक्स्ट है, ये नेव हेडर है। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है नेविगेशन मेन्यू। सो हमें ये भी क्रिएट करके ऐड करने हैं। सो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नेविगेशन ड्रॉअर ऐड करने वाले हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये नेव हेडर एंड नेव मेन्यू के साथ डील करेंगे। सो लेट जस्ट स्टार्ट। एंड नेविगेशन ड्रॉअर के साथ वर्क करने से पहले, सो मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग्स आप भी कॉपी कर लो। मैंने 5 स्ट्रिंग्स ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है, जिसे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ओके, हम लोग इसे यूज़ करेंगे। नाउ एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं, एंड ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर नेविगेशन ड्रॉअर, आपको इसे ड्रॉअर लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दिख रहा है ड्रॉअर लेआउट। ओके, एंड उसके बाद इसके अंदर आपको दो एट्रीब्यूट सेट करने हैं। द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज फिट सिस्टम विंडोज एंड मेक दिस ट्रू, एंड द सेकेंड एट्रीब्यूट इज ड्रॉअर मीन्स ओपन ड्रॉअर, एंड मैं चाहता हूँ स्टार्ट। ओके, ये दो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे सेट करने। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इसके नीचे में एक नेविगेशन व्यू का यूज करने वाला हूँ। ओके, सो नैव इन, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, सो मुझे ऊपर वाला चाहिए नेविगेशन डॉट नेविगेशन व्यू। एंड इसकी जो विड्थ होगी वो होगी रैप कॉन्टेंट, मीन्स जितना कॉन्टेंट हो उतना। एंड हाइट जो होगी, लेट से मैच पैरेंट। ओके, मैं चाहता हूँ इसका जितना कंटेंट हो उतनी, अगर हाफ है तो हाफ ही कवर करें, एंड इसकी जो हाइट है वो पूरी स्क्रीन को कवर करनी चाहिए। एंड इसे मैं एक आईडी प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। सो आईडी, एंड मैं इसका आईडी दे रहा हूँ नैव व्यू। ओके, एंड उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और सेट करने वाला हूँ। सबसे पहला है लेआउट ग्रेविटी, सो वो एट्रीब्यूट अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, सो हमें मैन्युअली उसे टाइप करना पड़ेगा। लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड लिखना पड़ेगा, एंड्रॉयड कोलन। ओके, एंड यहाँ पे मैं उसे स्टार्ट लिखूंगा, ये एट्रीब्यूट भी नेसेसरी है। एंड उसके बाद फिट सिस्टम विंडो वाला एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे भी सेट करना है। सो फिट सिस्टम विंडो टू ट्रू, एंड ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा काम हो जाएगा। एंड उसके बाद मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें नेविगेशन ड्रॉअर के साथ एक्चुअल में वर्क करना है। सो या मैं यहाँ पे एक लेट इनिट वायर बनाने वाला हूँ, लेट इनिट वायर, विच मीन्स हम इसे लेट इनिशियलाइज करेंगे, एंड उसका नाम होगा टॉगल। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए टॉगलिंग का काम करेगा, एक पे क्लिक करने पे स्टार्ट होना चाहिए और ना हो क्लिक हो तो ऑफ होना चाहिए, वैसा कुछ। एंड उसके बाद ये होगा एक्शन बार टॉगल, एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल। ओके, एंड उसके बाद इसके साथ हमें वर्क करना है। सो मैं इसके लिए जो वर्क है यहाँ पे करने वाला हूँ, सेट फ्रेगमेंट से पहले मैं इसके साथ वर्क करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ फॉर नैव ड्रॉअर। ओके, एंड ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टॉगल को इनिशियलाइज करते हैं। सो टॉगल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टॉगल को इनिशियलाइज करने के लिए एक्शन बार ड्रॉ टॉगल, एंड इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, सो दिस। ओके, एंड उसके बाद हमें पास करना है कि हमें उसे किसके अंदर सेट करना है, मीन्स उस ड्रॉयर लेआउट की आईडी। सिंस हमारा ड्रॉयर लेआउट जो है ये वाला है, ये जो मेन ड्रॉयर लेआउट है, सो अगर आप चाहो तो इसे एक आईडी प्रोवाइड करके वर्क कर सकते हो, बट सिंस वी आर यूजिंग बाइंडिंग, वी कैन पास इट डायरेक्टली लाइक दिस बाइंडिंग डॉट रूट, विच मीन्स जो भी रूट एलिमेंट है उसे एक्सेस कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स पास करनी पड़ती है, पहली है ओपन, दूसरी है क्लोज, एंड मैंने इसे ऑलरेडी बना रखा है आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ओपन, एंड उसके बाद आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। ओके, दिस टू स्ट्रिंग्स ओपन एंड क्लोज, नथिंग ग्रेट। एंड हमारे टॉगल का वर्क हो चुका है, एंड यहाँ पे हमें और भी कुछ करना है। सो हम इस टॉगल को सेट करना है, सो बाइंडिंग डॉट रूट डॉट एड ड्रॉअर लिसनर, मीन्स हम यहाँ पे एक ड्रॉअर लिसनर ऐड करना पड़ेगा, सिंपली पास टॉगल हियर, एंड इससे हमारा वर्क हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज टॉगल दैट सिंक स्टेट,
ओके, विच मीन्स हमें इसका स्टेट कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. अगर कुछ क्लिक हो तो हमें पता चलना चाहिए, सिंपली फंक्शन इतना बताता है. एंड उसके बाद फाइनल थिंग, सपोर्ट एक्शन बार, ये नेसेसरी है. एंड यहाँ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क इसलिए, ये बताने के लिए कि ये नल ना हो तभी ये वर्क करे. एंड सेट डिस्प्ले हैज़ होम अनेबल्ड, एंड यहाँ पे सिंपली ट्रू पास कर दो एंड दिस विल डू आर वर्क. सो ये कोड हमारे नेविगेशन ड्रॉअर को सेट कर देगा, बट हमें एक फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा. विदाउट ओवरराइडिंग फंक्शन अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी. सो वो फंक्शन का नाम है ऑन ऑप्शंस मेन्यू सिलेक्टेड, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड. एंड उसके बाद यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन का यूज़ करना है, इफ टॉगल डॉट ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड. एंड यहाँ पे हमें वो आइटम पास करनी पड़ेगी जो हमें यहाँ पे मेन्यू आइटम रिटर्न करके दे रहा है. एंड अगर ये ट्रू है तो जस्ट रिटर्न ट्रू, नथिंग ग्रेट. एंड इतने कोड से जो हमारा नेविगेशन ड्रॉअर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा. अगर आप उस पर क्लिक करोगे तीन लाइंस पे तो वो साइड से पॉपअप होगा, एंड अगर फिर से क्लिक करोगे तो वापस बैक चला जाएगा. सो इससे हमारा इतना काम हो जाएगा. बट मैं चाहता हूँ मैं नेविगेशन हेडर ऐड कर दूँ इसी वीडियो में, एंड उसी के साथ में जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है उसे भी ऐड कर दूँ. सो सबसे पहले प्रोजेक्ट में आ जाओ, एंड उसके बाद ये जो लेआउट है इस पर राइट क्लिक करो एंड न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड जस्ट टाइप हियर द नेम ऑफ द फाइल. सो इन आर केस इट इज़ नैव हेडर, ओके. एंड आप अपने हिसाब से कोई भी नेम सिलेक्ट कर सकते हो. एंड उसके बाद ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है मैं इसे लीनियर लेआउट कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. एंड नाउ लेट्स कम टू स्प्लिट, एंड इसकी जो लेआउट विड्थ है मैच पैरेंट परफेक्ट है, बट हाइट जो चाहता हूँ इट्स 170 dp, ओके. आप छोटी बड़ी करके एडजस्ट करके चेक कर सकते हो अपने हिसाब से. एंड मैं फिलहाल के लिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ इसके लिए. सो बैकग्राउंड लेट्स से कूल पिंक, एंड दैट्स इट, ओके. वी विल डिज़ाइन इट इन नेक्स्ट वीडियो. एंड उसके बाद एक मेन्यू भी ऐड कर लेते. सो जस्ट क्लिक ऑन मेन्यू, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, एंड जस्ट गिव इट अ नेम. हमारे केस में मैं इसका नाम रख रहा हूँ nav underscore menu, ओके. एंड जस्ट क्लिक ओके. अब मैं बॉटम नेव्यू से कुछ कोर्स कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इसके अंदर. सो जस्ट कॉपी दिस आउट, कंट्रोल सी एंड nav menu, एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी. एंड इनके आईडीज में चेंज कर देता हूँ. सो ये जो वीडियो व्यू है, सिंस हमारा सबसे पहला फीडबैक है, सो फीडबैक nav में इसकी आईडी रख रहा हूँ, फीडबैक nav. एंड उसके बाद जो टाइटल है फीडबैक, ओके, ये स्ट्रिंग भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है. आप यहाँ पे देख सकते हो फीडबैक थीम्स सॉर्ट वैल्यूज एक्सेट्रा. एंड आइकन वी विल गिव इट लेटर, ओके. एंड ये आईडी भी मैं चेंज कर लेता हूँ. सो दिस इज थीम्स नैव एंड टाइटल थीम्स, एंड जस्ट रिमूव द आइकन एंड जस्ट कॉपी इट and paste it again, and this time sort order nav and title sort order and ye wala about nav and this one about and last one that is exit. So just remove it, exit nav and string exit, ओके. सो इससे हमारा काम हो जाएगा. हमारा जो नैव ड्रॉअर है उसके अंदर हमें जो अभी नैव हेडर है, नैव मेन्यू सेट करने, उसे हम लोग कर लेते हैं. एंड जस्ट दिस नेविगेशन व्यू, एंड सो इसके अंदर सबसे पहले लेट्स से मेन्यू, एंड मैं इसे नैव मेन्यू, यहाँ पे मुझे दो दिखाई दे रहे, बॉटम मेन्यू एंड नैव मेन्यू. सो नैव मेन्यू, एंड उसके बाद हेडर, हेडर लेआउट, एंड मैं इसे नैव हेडर प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. एंड अगर मैं इस थ्री आइकन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि नेविगेशन ड्रॉअर पॉपअप हो रहा है, मीन्स स्लाइड हो रहा है. एंड अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअल में ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाइट होना चाहिए था. सो इससे रिलेटेड वर्क जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. एंड
अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज भी हो जा रहा है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.